2021 और 8 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या होता है थंडरस्टॉर्म? तो आपने बरसात के मौसम में सुना होगा बिजली का गिरना, बिजली गिर जाती है, अगर पेड़ पे गिर जाती है तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे गिर जाती है तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो थंडरस्टॉर्म से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। तो अब इसके बारे में रिसर्च करने के लिए भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, यहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा। और बालासोर में एक और चीज है, व्हीलर द्वीप है बालासोर में, अक्सर मैं आपको बताता हूँ, और व्हीलर द्वीप का नाम बदला गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब ये रिसर्च सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो मैप में देख लीजिए, ये है उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन जीरो एफ शुरू हुआ था। मिशन जीरो एफ, इसके तहत अब किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया, गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरवट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। इसमें से चिल्का लेक उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है। अच्छा, उड़ीसा में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? उड़ीसा में एक भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी है, ये भी याद रखना है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतनी उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई थी। एक तालाब है बिंदु सागर, इसकी सफाई के लिए IOCL ने उड़ीसा में ये स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की थी। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है। इससे पहले की लाइफ वापस रफ्तार पकड़े, धीरे धीरे अपनी न्यूज पढ़ने की आदत डाल लें ताकि रफ्तार में भी कहीं आप पीछे ना रह जाएं। आदत डाली इन शॉर्ट्स की। इंडिया गोल्डन बीच भी है, ये दोनों बीच याद रखने हैं, रसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच। उड़ीसा में लिंगराज का टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में भी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई थी, सेचा समाधान ऐप, ये उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। अच्छा, उड़ीसा के बारे में और क्या क्या मैंने आपको बताया था? उड़ीसा में सांस अभियान भी तो शुरू हुआ था, सांस अभियान, ये भी उड़ीसा में शुरू हुआ। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है। उड़ीसा में अभी सबूज पहल शुरू हुई थी, ये वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, उड़ीसा में रज पर्व जो मनाया जाता है उसे रजा पर्व भी कहते हैं। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरण। उड़ीसा में कालिया योजना किसानों के लिए पहले से चल रही थी, इसी के सिमिलर बलराम योजना उड़ीसा में शुरू कर दी गई है। अच्छा, उड़ीसा में मो जीवन पहल भी तो शुरू हुई थी और मो प्रतिभा पहल भी उड़ीसा में शुरू हुई थी। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रख लीजिए, इतने करंट अफेयर्स अभी उड़ीसा से रिलेटेड हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो असम में एक जगह है मांजुली, यहां पे असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। हेलीपोर्ट यानी कि इस पर हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम में है तो ये है मैप पे असम,
असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, असम में अभी ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ था और नॉर्थ ईस्ट का पहला काव हॉस्पिटल यानी कि गाय अस्पताल असम में खुला था। असम में कौन कौन से इंपोर्टेंट डांस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और जुमुर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। असम में देहेंग पटके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। और असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। इतना आप असम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी उड़ीसा नहीं, टाटा ग्रुप के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और उड़ीसा के बारे में अभी पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और जितना भी मैंने आपको बताया उसको सारे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, खुद को चेक करो कि आप कितना लिख पाते हो। अभी जस्ट तुरंत आपने सुना है, अभी तुरंत चेक करो कि आप कितना लिख पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो अभी जुलाई में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का 45वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी IFFI भी तो हुआ है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 51वां संस्करण भी हुआ था। और कहां हुआ था? इसका 51वां संस्करण अभी गोवा में हुआ था। और ये क्या है? कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसका 45वां संस्करण अभी जुलाई में होगा, 45वां संस्करण होगा। अब इसमें फोकस कंट्री क्या है? इसमें फोकस कंट्री है बांग्लादेश। और ये जो 51वां संस्करण हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, इसका भी फोकस कंट्री बांग्लादेश ही था। दोनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, यूनेस्को हर साल एक सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर करता है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। तो 2020 की वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन डिक्लेयर हुई थी? क्वालालंपुर। और 2021 की वर्ल्ड बुक कैपिटल यूनेस्को ने किसे डिक्लेयर कर दिया है? तबलीसी को। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो क्रिस्टोफर प्लमर ये एक हॉलीवुड अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे क्रिस्टोफर प्लमर, ये हॉलीवुड अभिनेता थे और 2012 में इनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। अभी इनका निधन हो गया है तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कल ही मैंने आपको बताया था दिल्ली में अब 500 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सिर्फ 10% चार्जिंग स्टेशन फास्ट चार्जिंग स्टेशन रहेंगे। अब मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी गई है। इसमें क्या है, अगर कोई स्टूडेंट 8th क्लास में 60% मार्क्स लाता है या 60% से अबव लाता है तो वो इस... नमस्कार, मैं हूं संदीप बिश्नोई, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। वर्तमान समय इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा और फिर अगर वो एग्जाम इसको देगा तो उसमें से 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। इन 1000 स्टूडेंट्स को 9th क्लास में 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी, टोटल 5000 रुपए इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, इसको अभी दिल्ली ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स ये बुक है हंटर बाइडेन की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जो बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, इन्हीं की ये बुक है
ब्यूटीफुल थिंग्स। तो बुक का नाम भी आप याद रखिए और राइटर का नाम भी आप याद रखिए। और जो बाइडन की दो बुक्स मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक है प्रॉमिस मी डेड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप, तो दोनों बुक्स आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अभी कनाडा ने एक ग्रुप है प्राउड बॉयज, इसको आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा ने डिक्लेयर किया तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, असोम माला परियोजना। इसमें क्या है, जो स्टेट हाईवे है और जो डिस्ट्रिक्ट के रोड है इनकी कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा और इनको अपग्रेड किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये असोम माला परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन सी इस बार? तो आकांक्षात्मक जिलों की एक सूची अभी नीति आयोग ने जारी की, इसमें श्रावस्ती टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने डेल्टा रैंकिंग का नाम सुना होगा, नीति आयोग हर महीने एक डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। डेल्टा रैंकिंग कौन सी होती है? ये आकांक्षी जिलों की रैंकिंग होती है। आकांक्षी जिला यानी कि पिछड़े जिले, ऐसे जिले जो पिछड़े हुए हैं, तो सबसे पिछड़ा, उससे कम पिछड़ा, उससे कम पिछड़ा, ये डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। और ये आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग क्या है, इसमें क्या है, किस जिले ने एक महीने में अपनी परफॉर्मेंस को कितना बेहतर किया, यानी कि कौन बेहतर कर रहा है, उसके बेस पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो अभी आकांक्षात्मक जिलों की जो लिस्ट जारी की है नीति आयोग ने, इसमें श्रावस्ती जिला टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के सिनोवैक टीके को मंजूरी दे दी है? तो अभी इंडोनेशिया ने चाइना का जो कोविड-19 का सिनोवैक टीका है इसको मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अब इंडोनेशिया ने मंजूरी दी है। ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। वैसे इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करने की घोषणा कर दी है। बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर अब इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी। और जो जकार्ता है वो आसियान का हेडक्वार्टर भी है। आसियान की फुलफॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपिया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट के चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, उनको बेहतर ढंग से कराने के लिए और पूरी पारदर्शिता रखने के लिए ये ई वॉच नाम की मोबाइल ऐप आंध्र प्रदेश के चुनाव आयोग ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इससे पहले इलेक्शन को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की थी और अब ई वॉच ऐप लॉन्च कर दी है। बात आंध्र प्रदेश की है तो मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी तीन कैपिटल हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल ज्यूडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश में भी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवर नालू पेरलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दीवेना ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। और मैंने अभी आपको बताया था निगाह ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई थी और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई थी। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। तीनों आप याद रखिए। फलों के उत्पादन में पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर वन पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक योजनाएं शुरू की हैं? तो अभी असम ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक दो योजनाएं शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो भाषा गौरव है इसमें क्या होगा, 21 साहित्यिक सभाएं बनाई जाएंगी। और प्रज्ञान भारती में क्या होगा, प्रज्ञान भारती में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को 1500 रुपए दिए जाएंगे और 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। ये दोनों योजनाएं असम ने शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हुआ है?
तो ब्रूस टेलर ये न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे ब्रूस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर फटा है? तो अभी उत्तराखंड में एक ग्लेशियर फट गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चमोली जिले में रैनी गांव के पास एक ग्लेशियर फटा है। जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के पास में ये ग्लेशियर फटा है। अब उत्तराखंड की बात है तो मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल भी बनी थी, गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था, ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया और भारत का पहला लाइकेट पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में अभी वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई थी, स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ था। एक ग्रंथालय उत्तराखंड में शुरू किए गए, एक ग्रंथालय ये उत्तराखंड में शुरू किए गए। और भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग उत्तराखंड में पाई गई थी। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है, फूल देवी त्योहार भी मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। सांत घाटी कहाँ पे है? सांत घाटी केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसको हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये हाय गाइस, मैं हूं की कुशारदा। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मैं काफी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगा हूं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आप शॉप कीजिए। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।